निहायत अफसोस के साथ ये खबर सुनाई जाती है कि मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान की मम्मी मेनका ईरानी का निधन हो गया है। मॉम टू बी दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स शेयर की जिसमें उनका चेहरा काफी ग्लो कर रहा था। मालूम होता है कि माँ बनने का ग्लो दीपिका की खूबसूरती पर और चार चांद लगा रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय कुमार ने बताया कि ट्रोल्स मुझे कहते हैं ये चार फिल्म क्यों करता है साल में, इसको एक फिल्म करनी चाहिए। चलो मैं एक पिक्चर कर लेता हूँ, बाकी दिन क्या करूँगा, तेरे घर में आऊँ। अभिषेक ऐश्वर्या के तलाक की खबरों के बीच ग्रेट डिवोर्स की खबर आई और अब इस पर लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग जया बच्चन को जिम्मेदार बता रहे हैं। जानवी कपूर ने अपनी ये इच्छा जाहिर की है कि अगर उन्हें मौका मिले अपनी मम्मी श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया के सीक्वल में काम करने का तो वो खुद को बहुत खुश नसीब समझेंगी। राजीव खंडेलवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बयान देते हुए कहा कि संजय लीला भंसाली ने उनको लगभग एक साल इंतजार करवाकर फिल्म स्क्रैप कर दी। चेन ऑफ गांधी नाम की एक फिल्म संजय लीला भंसाली बनाने वाले थे, इसमें अमिताभ बच्चन और विद्या बालन को भी साइन किया गया था। कटरीना कैफ ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर फिल्म महाराजा की तारीफ में लिखा, क्या मस्त फिल्म है, इनक्रेडिबल स्टोरी टेलिंग। ब्रेकअप की खबरों के बीच अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। गौरतलब ये है कि क्या ये इत्तफाक था या प्लान। शिखर के साथ शादी को लेकर पिंकविला के रिपोर्ट के हिसाब से जानवी ने कहा, फिलहाल मैं अपने करियर में बहुत खुश हूँ, ना तो मेरे पास ना ही उसके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम है। कटरीना कैफ इन दिनों ऑस्ट्रिया के लुत्फ उठा रही है। अपने इंस्टाग्राम पर कटरीना ने बेहद सुकून देने वाली पिक्चर्स शेयर की।